हाय स्टूडेंट, तो कैसा रहा आप लोगों का पहले दो लेक्चर्स? पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिंपल प्रॉब्लम किया था और दूसरे लेक्चर में भी हम लोगों ने सिंपल प्रॉब्लम किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा लेक्चर है हमारा, वो तीसरा लेक्चर पहले मैं आपको जो पुराने वाले जो क्वेश्चन थे उसके डाउट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जितने लोगों के मैंने होमवर्क देखा, कुछ लोगों ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ तो भी क्वेश्चन गलत किए थे, तो मैं पहले उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, उसके बाद बाकी के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने ये वाला जो क्वेश्चन था, जैसे y इक्वल्स टू कोसेक 5x अगर ले लिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक x आ गया, कोसेक 5x है वहां पर, हम भी लिख लेंगे यहां पे 5x। अब जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो ना, तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक 5x इंटू कॉट 5x। तो आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ कोसेक लिख के छोड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसा नहीं लिखे, कुछ लोगों ने कोसेक लिखा है फिर कॉट लिखा है और बाद में फिर 5x लिखा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो एंगल है आपको दोनों को देना चाहिए, यानी कोसेक को भी देना चाहिए, कोसेक 5x भी लिखना चाहिए, फिर बाद में कॉट 5x दोनों लिखना चाहिए। और उसके बाद जो आपका कंपोजिट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ 5x निकालना चाहिए। तो ये क्या आएगा, माइनस कोसेक 5x कॉट 5x इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, ऑब्वियसली क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 5 को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, dx by dx, और dx by dx कितना होता है 1 हो जाएगा, तो 5 आएगा। बस उसको सामने लिख लो तो क्या आएगा, माइनस 5 cosec 5x cot 5x। तो ऐसा रहा आपका dy by dx एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो थोड़ा ध्यान देना कि जब भी आप cosec वाला प्रॉब्लम करो या फिर sec वाला प्रॉब्लम करो, जैसे एक क्वेश्चन हम sec वाला प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा y equals to sec log x, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा sec of log x, तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना रहा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करना रहा, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा d by dx of y equals to d by dx of sec log x, sec log x। अब तो मुझे sec x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x, तो x दो बार आता है, तो यहां पे log x है वो भी तो दो बार आना चाहिए ना, तो क्या आएगा, sec log x into tan log x आ गया क्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, sec x into tan x लिख दिया, बाद में x की जगह पे क्या है log x है, तो log x हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आने वाला है d by dx of log x, और ये क्या आने वाला है बताओ मुझे, यह है आपका sec log x tan log x इंटू, इसका क्या आता है 1 बाय x। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका बताओ मुझे, इसका फाइनल आंसर रहेगा dy by dx इज इक्वल्स टू, इसको नीचे लिखूंगा तो sec log x tan log x by x एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो जिसके जिसके कॉपी में ये सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो प्लीज उसको सुधार लेना और एक बार ट्राई करना, और अगर आपका रॉन्ग होता है ना तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, जैसे इसके पहले पार्ट वन में और पार्ट टू में, हमारा पार्ट वन और हमारा पार्ट टू दोनों में सेम टाइप के प्रॉब्लम थे, पर अब हम अपने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देखते हैं वो लेवल कैसा रहेगा, ठीक है, फिर आप क्या इसके लिए रेडी हो, ऑब्वियसली रेडी होने पड़ेगा, ऑप्शन नहीं अपने पास, ठीक है। वैसे इतने क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है वाई इक्वल्स लॉग साइन टू एक्स, ठीक है, अब इसको भी मैं सॉल्व करूंगा और देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करो, बिल्कुल ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तो पहले जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है
बस उससे वन स्टेप अप है। अब वन स्टेप अप कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वन स्टेप है। हम लिखेंगे आज का पहला कॉलम है इसलिए मैं नंबर वन डाल दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो मेरे को लगता है आपको सभी को आ गया होगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। आप भी वैसे लाइन मत बना देना, नहीं तो जिस दिन कॉपी चेक करना उस दिन पूरे पेज फाड़ दूंगा, याद रखना फिर। सो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग साइन टू एक्स। अभी सभी लोग ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, हमने डेरिवेटिव किसका पढ़ा है? हमने डेरिवेटिव पढ़ा है लॉग एक्स का। किसका पढ़ा है? लॉग एक्स है, एकदम सही है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है? यहां पे एक्स की जगह साइन एक्स दिया हुआ है, साइन टू एक्स दिया हुआ है। किसकी जगह पे? लॉग एक्स है यहाँ पे, लॉग एक्स की जगह पे साइन टू एक्स दिया हुआ है। और अगर साइन टू एक्स अगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक्स पकड़ेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 by x। तो log of sin 2x का क्या होगा? log of sin 2x का मतलब होगा ये हो जाएगा 1 by क्या होगा? 1 by sin 2x। आया कि नहीं? अब ये कंपोजिट है तो हम इसके पहले क्या करते थे? हम करते थे d by dx of sin 2x। अरे सर वैसे ही तो है जैसा हमने कल किए थे। नहीं, कल जैसा नहीं है। देखो क्या चीज है, अब क्या हुआ? d by dx of sin 2x। मुझे एक चीज बताओ ना, क्या सर ने कभी sin 2x पढ़ाया क्या? नहीं, सर ने पढ़ाया तो sin x, यानी कंपोजिट के अंदर फिर से क्या हुआ? कंपोजिट आ गया, यानी ये वाला टर्म क्या है? फिर से वापस कंपोजिट आ गया। तो हम पहले क्या करते थे? दो बार डेरिवेटिव करते थे, एक बार यहां और एक बार यहां। अब ऐसा नहीं होगा, अब तीन बार डेरिवेटिव होगा। तो 1 upon sin 2x into इसका क्या हो जाएगा? sin 2x का cos 2x आया। अब बाद में 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx अब क्या होगा? 2x। तो 1 upon sin 2x cos 2x upon sin 2x क्या होगा? कुछ तो भी होता है यार, cot 2x आ गया। और ये 2x का क्या आएगा? 2। इसको सामने लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 cot 2x। और यहां पे क्या आएगा? डीवाई बाय डी एक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्टॉप करो। चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5x। आराम से प्यार से कर देगा, कोई घाई नहीं है मुझे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 7 ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए? अब मैं क्या करता हूं, वही पहले की तरफ, पहले मैं इसके लिखूंगा y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे रहेगा ये, जो स्क्वायर होता है वो इसके लिए रहता है ना, है ना? इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 12th स्टैंडर्ड में लिख सकते हो, लेकिन जब आगे चल के जाओगे ना तो आप नहीं लिख सकते, ऐसा गलत हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड तक के लिए ये प्रॉब्लम सही है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा? डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं? अब क्या होगा देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद होगा ये, आप ये सोच के चलो कि ये पूरा टर्म x है और x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या आता है? 2x आता है। अरे क्या आता है x स्क्वायर का? 2x। तो ये अगर ये पूरा टर्म अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर का है 2x, तो मैं पहले लिखूंगा 2 और ये पूरे को मैंने x पकड़ा था तो लिखूं ना x। x में क्या लिखेंगे? sin 2x + 7। समझे मेरी बात? अब ये x का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसको हमने x माने थे कि नहीं, तो ये हो जाएगा d by dx of sin 2x plus 7 ले लिया मैंने। अब क्या होगा ये 2 sin 2x plus 7। और फिर उसके बाद क्या होगा ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन बिल्कुल कल के जैसा हो गया।
तो कल के जैसा क्वेश्चन होता है हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 2x plus 7, यहां है ना। लेकिन ये कंपोजिट होने के वजह से हम क्या करेंगे उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका d by dx of 2x plus 7, ठीक है। तो अब क्या आने वाला है बताओ मुझे, 2 sin 2x plus 7 into cos, समझिए आप यहां पे फॉर्मूला भी बना सकते हो, ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है क्या, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन सकता है, बन सकता है वो sin 2 2x plus 7 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और 2x plus 7 का क्या आएगा, देखो 2x का आएगा 2 और 7 का है 0, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो इसको आप सामने लिखोगे इससे मल्टीप्लाई मत कर देना नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4x plus 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका dy by dx एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूं उस क्वेश्चन को, पहले y equals to sin square 2x plus 7 है, तो मैंने क्या किया ये पूरे टर्म का स्क्वायर दे दिया, पूरे टर्म का स्क्वायर, और अगर पूरे टर्म का स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जा रहा आपका इस टाइप का। अब मैंने क्या किया आगे, मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद मैंने क्या किया dy by dx, अब मैंने बोला कि ये पूरे टर्म को मैं x पकड़ रहा हूं तो ये x का स्क्वायर हो गया, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो इसका भी आएगा 2 और फिर जो x रहेगा वो, फिर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट किया मैंने, अब ये जैसे का वैसे रहा, x जब इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन का क्या आता है cos, तो क्या आ गया 2x plus 7, अब ये x तो था नहीं तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया 2x plus 7 और 2x plus 7 का था 2, और ये तो एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना भाई, sin 2 theta equals to भी क्या होता है 2 sin theta cos theta, याद आया क्या, तो बिल्कुल देखो 2 की जगह 2 दिख रहा है और ये वाला आएगा सेम दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं sin 2 theta, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया y equals to tan tan का पावर 5 tan का पावर 5 और मैंने लिया और 7x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन लिया मैंने इस बार, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इसी के जैसा रहेगा, कार्बन कॉपी, किस टाइप से, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिखूंगा ऐसे tan 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसका होल टू द पावर 5 लिख दिया मैंने, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया x का पावर 5 और x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x के पावर 5 का क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला है 5x 5 माइनस 1 याद आ रहा, तो आएगा 5 और x का पावर 4, सही बात है कि नहीं, अरे भाई बोलो ना, तो बिल्कुल ये कैसा हो जाएगा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा मैंने, और अगर मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा dy by dx dy by dx और ये हो जाएगा इक्वल्स टू d by dx ऑफ d by dx ऑफ क्या आएगा, आगे आपका ब्रैकेट में tan 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 5, सही बात है। अब ये x का पावर 5 हुआ तो क्या हो जाएगा, आंसर में आएगा 5, पहले क्या आएगा 5 5x टू द पावर 5 माइनस 1, तो यहां पे भी क्या होगा 5 ब्रैकेट में tan 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और यहां पे 5 माइनस 1 आया। अब फिर हम ये पूरे टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो d by dx अब क्या बनेगा tan 5x स्क्वायर सॉरी यहां पे 7x स्क्वायर है तो हम यहां पे 7 लेंगे 7 3x प्लस 5 ले लिया। अब ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 5 की जगह पे 5 रहेगा, ठीक है नहीं, अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये बन जाएगा आपका 5
बना, उसके बाद क्या होगा, ये बन गया आपका tan, फिर क्या होगा 7x² - 3x + 5 का पावर क्या होगा 5 - 1 क्या होगा 4। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आता है sec² और क्या आएगा 7x² - 3x + 5 आया। यहां पे थोड़ा 5 बड़ा है ध्यान रखने का, -3x + 5 ले लिया मैंने। अब क्या होगा देखो, नेक्स्ट थोड़ा मैं साइड साइड करते जा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव में साइड बड़ा होते जा रहा है, मैंने इसको थोड़ा सा इस टाइप का बना दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लिखते समय। वैसे तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा पहले। अब ये हो जाएगा 5, अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 बाद में tan 7x² - 3x + 5 और ये क्या हो जाएगा sec² 7x² - 3x + 5 आया। और फिर इसके बाद मुझे क्या लिखना है, इसके बाद मुझे लिखना है आगे भी लिखोगे आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूं d/dx(7x²-3x+5 सही बात है, है ना। अब क्या करोगे इसके आगे, इसके आगे करोगे आप ये लिखोगे आपको 5, फिर क्या लिखा आपने tan(7x²-3x+5 बाद में sec² क्या आएगा 7x² - 3x+5 और ये जो टर्म था ये यहां का था, एक ही लाइन का, नीचे मत लिख देना, नहीं तो मैंने लिखा तो तुम भी नीचे ही लिख दोगे, मुझे पता है तुम लोग कितने होशियार हो। अब इसको नीचे लिखा है लेकिन आपको साइड में लिखना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है इनटू है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा x² का आएगा 2x, तो 2 × 2x × 7 = 14x और इसका -3। बस इसको सामने लिखो आपका आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा इसको सामने लिखने तो 5 14x - 3 बाद में ब्रैकेट में आएगा tan(7x²-3x+5 इंटू sec²(7x²), बाकी इसके आगे का आप लिख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आगे लिखना क्या है, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला y = a^2sin²x। अब आपको पता है a^2 कुछ भी रहता है उसको बेसरम बोलते हैं, आपको दर्शक ने बताया, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखा मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा इसको d/dx(y) = d/dx(e^2sin²x। अब मुझे बताओ e^x का डेरिवेटिव क्या आता है, e^x का डेरिवेटिव आता है e^x, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी आने वाला है e^sin²x आया। अब क्या करेंगे, x की जगह पे ये पूरा टर्म है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ क्या आएगा sin²x। जस्ट अभी मैंने दो प्रॉब्लम कराया इसके ऊपर, सेम इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम थे इसी टाइप के थे, कैसे रहेगा क्या आगे e^sin²x, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मैंने क्या बोला ये जो स्क्वायर है वो पूरे साइन के लिए है, तो साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का क्या आएगा x² का क्या आता है 2x, तो sin²x का क्या आएगा sin²x का आएगा 2sin(x) आएगा। अरे हाँ यार, जब x² का 2x आता है तो sin²x का भी तो कितना आएगा, उसका भी तो 2x ही आएगा ना, तो सिर्फ इसका क्या आ जाएगा 2sin(x), तो क्या बन जाएगा आगे d/dx ऑफ क्या आएगा sin(x), क्यों x² था तो x² का 2x लिख दिया लेकिन एक्चुअली में sin(x) था ना, तो sin(x) का क्या करूं मैं, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा e^sin²x * ये क्या होगा तो मुझे 2sin(x) * इसका क्या आएगा cos(x)। आप चाहे तो यहां भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कौन सा वाला, वैसे 2sin(x) cos(x), अच्छा सही है तुम्हारा e^sin²x * ये क्या हो जाएगा sin²x। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा dy/dx = sin²x e^sin²x आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 5 का पावर मैंने लिया log ऑफ
फाइव एक्स या फिर लॉग ऑफ थोड़ा सा प्यारा सा ले लो लॉग ऑफ साइन एक्स ले लिया। चलो साइन एक्स बार बार हो रहा है ठीक है, हम इससे तक कॉस एक्स लेते हैं नहीं तो कॉस को बुरा लग जाएगा। अब क्या देखो, अब क्या होगा, कमाल करते हो सर, कुछ भी करवाते हो। देखो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके बारे में तो अच्छे से याद होगा आपको, मुझे लगता है याद ही होगा। अब 5 टू द पावर x का क्या होता है मुझे बताओ, a का पावर x का डेरिवेटिव क्या है, क्या होता भाई a टू द पावर x का डेरिवेटिव, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इनटू log a, सही बात है। तो यहां पे क्या होगा, हम लिखेंगे d by dx of y equals to d by dx of 5 का पावर log cos x, सही बात है। तो क्या आएगा 5 का पावर log cos x into log cos x into, अब मुझे बताओ log क्या हो जाएगा, log a यानी log 5 हो जाएगा। अब ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे यानी d by dx of क्या आएगा log cos x, अरे हाँ है ना। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 log cos x into log 5 into, मुझे एक चीज बताओ इसका क्या आएगा, log x का क्या होता है, log x का होता है 1 by x, तो log cos x का क्या होगा 1 by cos x आया। और लेकिन यहां पे x तो था नहीं तो हम डबल से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा d by dx of cos x, और cos x तो खुद ही एक स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसको और ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा 5 log cos x into log 5 into 1 upon cos x, और इसका कुछ प्यारा सा होता है, क्या होता है माइनस साइन x, वेरी गुड बच्चों सही हो गया मेरे। अब ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे, माइनस tan x into 5 का पावर log cos x into क्या हो जाएगा log 5, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालो और उसके बाद फिर लिखना चालू कर दो। वैसे मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये सारे पिक सेंड कर ही दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इससे भी निकालोगे तो आपको अच्छी आदत रहेगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, अब हम इसको क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, देखने को तो हर क्वेश्चन डरावना लगता है, डरावना तो मैं भी दिखता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खतरनाक हूं। चलो तो कैसा है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा ये, यह आएगा d by dx of y equals to d by dx of square root में log of cos x आएगा, log of cos x। मुझे एक चीज बताओ हम ये इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे कुछ इस तरह से कि ये रूट x है कि नहीं, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का आता है 1 by 2 रूट x, अरे आता है कि नहीं बोलो ना, तो इसका भी क्या आएगा, इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट में log ऑफ cos x है ना, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, कंपोजिट फंक्शन है, हम इसका फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx ऑफ क्या आएगा log ऑफ cos x, log ऑफ cos x, समझे। अब क्या होगा बताओ मुझे, ये भाई साहब तो जैसे के वैसे रहेंगे, 2 रूट में क्या आएगा log of cos x, इसका क्या आएगा log x का क्या होता है 1 by x, तो log cos x का क्या होगा 1 by cos x, अरे इसके पहले तो अभी तो किए थे समझे। अब क्या आएगा d by dx of क्या आएगा cos x, तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 root में log of cos x into 1 upon cos x, और इसका क्या होता है, इसका आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, समझे। तो मुझे बताओ साइन अपॉन क्या होता है कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा माइनस टैन एक्स अपॉन टू रूट में क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स, और यहां पे क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसका स्नैपशॉट ले लो इसका और फिर इसको सॉल्व करो। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, तो देखो ये हो जाएगा, पहले देखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर लॉग ऑफ क्या आएगा साइन 5x आया क्या। अब क्या करेंगे बताओ मुझे, ये हो जाएगा स्टेप का, ये क्या हो जाएगा, ये तो बेसरम है तो बेसरम का क्या आएगा ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन 5x साइन 5x ठीक है। अब इसका क्या आने वाला है हम देखेंगे इसके बाद, डी बाय डी एक्स का क्या आएगा log of sin 5x आ गया। अब क्या होगा इसके आगे बताओ मुझे, e का पावर log of sin 5x into ये क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, log of sin 5x का क्या होगा 1 upon sin 5x और d by dx अब क्या होगा sin 5x। इंटरेस्टिंग है ये ठीक है। अब क्या होगा बताओ मुझे, e का पावर log of sin 5x दिया मैंने, अब ये क्या आएगा आगे बताओ मुझे, ये हो जाएगा 1 upon sin 5x आया क्या, मुझे बताओ sin 5x का क्या आएगा cos 5x है, लेकिन ये 5x जो है वो स्टैंडर्ड है क्या, नहीं, तो एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e to the power log sin 5x into ये क्या हो जाएगा आपका cot हो जाएगा, cot 5x हो जाएगा क्योंकि cos upon sin क्या होता है, और उसके बाद ये क्या 5x का क्या हो गया 5, बस इसी 5 को सामने लिख दो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा इसका आपका y is equals to y sorry y नहीं रहेगा वहां पे क्या रहेगा dy by dx is equals to क्या बनेगा सामने लेंगे इसको 5 cot 5x बाद में e to the power log sin x sin 5x और ये रहेगा इसका आपका फाइनल आंसर ठीक है। चलो एक आंसर ये हो गया, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। देखो y इक्वल्स टू e का पावर log sin 5x दिख रहा है कि नहीं, तो देखो अगर यहां पे e रहा और यहां पे कोई तो भी बेस नहीं दिया रहा तो हम क्या पकड़ेंगे y इक्वल्स टू e टू द पावर log sin 5x पकड़ेंगे और यहां पे e पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे e, और ये एक दूसरे को पूरा कैंसिल हो जाती है, यानी ये जो पूरा टर्म है ना ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, बचता है y इक्वल्स टू sin 5x, क्या बचता है sin 5x और sin 5x बचा तो क्या आएंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू आएगा d by dx ऑफ sin 5x, तो बताओ मुझे इसका क्या आएगा cos 5x और 5x का वापस से फिर से लेंगे तो d by dx ऑफ क्या हो जाएगा 5x, तो क्या हो जाएगा cos 5x into इसका क्या आने वाला है, इसका आने वाला 5, तो सामने लिखेंगे तो क्या आएगा 5 cos 5x और यहां पे आएगा dy by dx, तो हम इसको ऐसा भी कर सकेंगे। अब तुम्हारे मन में ये डाउट रहेगा सर हम ऐसा करेंगे तो गलत होगा क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा और ऐसे करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, एक बार ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन जो हम हमेशा प्रूफ करने के लिए आते हैं, कभी कभी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो प्रूफ करते समय ऐसे टर्म को सॉल्व करना चाहिए, और अगर आप प्रूफ करने के लिए नहीं दिया तो आप ऐसे भी करोगे तो भी करेक्ट रहेगा और ऐसे करोगे तो भी करेक्ट रहेगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बोला इस टाइप का, बाद में बोला है फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स, तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा y इक्वल्स टू 4 बाद में दिया log 2 sin x और फिर क्या दिया है प्लस क्या दिया है 9 और यहां दिया है log 3 और यहां पर दिया है cos x, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ आड़ा तेढ़ा दिखता है तो मैं थोड़ा अपने मैथमेटिक्स यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा इसको ये 4 को लिखूंगा y इक्वल्स टू 2 का पावर 2 और फिर क्या हो जाएगा log 2 sin x आया गया प्लस इसको लिखूंगा 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 मत लिख देना यहां पे 2 का पावर 2 लिखा था यहां पे 3 का पावर 3 लिख दूंगे होशियार हो तुम लोग log 3 और यहां पे क्या हो जाएगा cos x आया कि नहीं। अब मुझे बताओ आपने एक log पढ़ा होगा log of indices का कि m का पावर n रहा
यानी अगर कोई टर्म है a का पावर n और उसका पावर n है तो हम ये दोनों पावर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो a का पावर n into n आता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बन जाएगा y plus 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा 2 log sin x और नीचे में बेस भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 log cos x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है कि नहीं। अब मुझे बताओ log के साइड में रहता वो उसके सिर पे चढ़ता है तो सिर पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा वो बन जाएगा आपका y equals to 2 ये सर पे चढ़ा तो क्या हो जाएगा यानी ये वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो बन जाएगा log 2 और ये बन जाएगा sin x square बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस 3 ये इसके सिर पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा log cos x का पावर 2 आया क्या और यहाँ पे बेस में 3 है क्वेश्चन में 3 है। अब क्या कट गए इसके पहले वाले क्वेश्चन में e log e था और यहाँ पे साइन 5x था याद आ रहा क्या ये वाले क्वेश्चन में तो हमने ये पूरा कैंसिल कर दिया था तो यहाँ पे भी क्या कैंसिल होगा ये पूरा टर्म कैंसिल होगा ये पूरा कैंसिल होगा और यहाँ से ये पूरा कैंसिल होगा तो बचेगा क्या बचेगा y plus 2 साइन x का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा cos x का होल स्क्वायर बचा। अब ये स्क्वायर इसको और ये स्क्वायर इसको देंगे तो क्या हो जाएगा y equals to sin square x plus cos square x आया। अब मुझे बताओ क्या होता है sin square x plus cos square x क्या होगा बताओ मुझे क्या होगा ये हो जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा dy by dx equals to d by dx of क्या हो जाएगा 1 तो dy by dx कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0 एंड दिस विल बी बैड बना लिया गया है।